अस्सलामुअलैकुम, दिस इज एवरीवन, माय नेम इज नाज़म अनवर। आप इस वक्त देख रहे हैं नाज़म फूड फ्लेवर, और मेरे साथ हैं मलक अली साहब फ्रॉम रायवंड, और मैं खुद भी रायवंड से हूं भाई। तो और आज आप लोगों को हम खिलाएंगे मुर्गी। और कौन सी मुर्गी? भाई चोरी का माल खाने का अपना ही मजा है। इस वक्त हम, वैसे तो हम शहर के हैं लेकिन हम गांव में आए हैं अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम है उमर। ये है जी हमारे प्यारे दोस्त उमर साहब जिसके पास आज हम आए हैं। ये इंतज़ाम हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें, वो नीचे हंडिया पड़ी हुई है, साथ में मुर्गी है, वो पीछे इसके कज़न है। वो फुल इंजॉय माहौल बन रहा है अभी, देखे थोड़ी देर बाद। आज आपको देसी माहौल की देसी स्टीम मुर्गी दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो पकड़ो यार, वो मुर्गी गई। फिर पानी चला यार, तो नजदीक आ थोड़ा। मैं नजदीक यार इधर दी निकल हां बिच घरों। पानी बाहर
आजा वसीम उतर के नजर आ गई। गाइस ये हो चुका है तैयार हमारा मसाला, इसमें टमाटर, थोम, अदरक और इसके अलावा सब्ज मिर्च और इसके अलावा इसमें हरा धनिया जो कि हमने ये इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। अब इस मुर्गी को लगाएंगे और उसके बाद आगे आप देखें फिर। मसाला इस वक्त मुर्गी को लग चुका है, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख लें ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए और फिर इसके बाद जो अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुर्गी को मसाला लग चुका है और उसके अंदर जज़ब हो रहा है, तब तक हम जो है ज़मीन की सफाई कर लें जहाँ पे हमने अगला प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो देखेगा मिट्टी लाने लगे नहीं, आराम सुकून नाल आदम साहब। अच्छा बस लाते ही खड़ा सो गाइस, अब हमारी स्टीम तैयार हो गई है, सारा ओके कर दिया है। अब हम इसके ऊपर आग जलाएंगे ताकि इसके अंदर भाप जाए और भाप से ये चिकन तैयार हो। नापना उस बस तो छोटे ला के खलो यार, ये ना हो अग माड़ी मोटी हो छोटा ना मान लिया हेलो ला है ना छू ले सच को मोर भी पास रख तो करे आगे पड़ दी है। थोड़ा थोड़ा बस यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब आधा घंटा हो गया इसे स्टीम किए, तो अब हम इसको निकालने लगे हैं और अब इसका टेस्ट चेक करते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस, वेरी वेरी कामयाब। ये देखें गाइस, प्रॉपर बन चुका है और ये जैसा कि आपने वीडियो में देखा देसी मुर्गी है, बिलालर नहीं है, देसी है। और बहुत मजे का यार ये तो। अच्छा कमाल हो गया, सुभान अल्लाह।
जैसा कि नाजरीन आपको पता है स्कीम हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और ये बड़ा ही टेस्टी बना है। देखें, और ये देखें गाइस, अंदर तक इसकी बोन्स हैं जो वो भी बिल्कुल स्टीम हो चुकी हैं, जो हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बन गया। गाइस आप इसे जितने आराम से ये उतर रहा है इससे ही अंदाजा लगा लें कितना जबरदस्त मजेदार बना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।